जी मित्रों, तो स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज फिर कुसुमा सिंह का अपना डे टू है। एक भाई ने अपने हाथ में मार लिया, अमन ने, तो उसको 5 टाके आए हैं, तो उसको अभी घर छोड़ के आए। उसके बाद कुसुमा सिंह चल रही है, फिर अपने ये बमूड़ा काट रहे हैं, इसको ट्राली से ले जाके वहीं छोड़ देंगे। तब तक वो ट्राली भराएगी, तब तक वो काम भी कर ले रहे हैं। तो ये अपन ने बमूड़ा काट दिया है, तो उसको यहाँ से ले जा रहे हैं। जब ट्राली खाली जा रही थी, उसी के पीछे बांध दिया, उसी से ले जा रहे हैं। देखिए, हाँ बैठ जा बैठ जा, बोल। चल अपन तेरे झाई चले। और कुलदीप गए हैं अपने ट्राली फंसाने, तब तक अपन ये वायरिंग वाला काम कर लेते हैं। वायर जो है फैला दिए हैं, बस इनमें टेपिंग और जहाँ जहाँ खराब समझ में आ रहा है उनको सही करना है। बाकी शाम को अपन जब लाइट आएगी तब चेक करेंगे फाइनल अपना सही हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे सब रोटर वेटर और बोनी हो गया है, तो इसमें चालू करके आज पानी छोड़ देंगे, तो मूंग अपनी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। वो फसल अभी कटने को बाकी रह गई, वो कटेगी अभी इसके बाद। और उधर पीरा कट रहा है, उधर कटाई भी चल रही है और मशीन भी चल रही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो प्लार लेके आए, क्योंकि ट्रैक्टर में दोनों ही प्लार रखी है, तो वो यहाँ पे प्लार देके जाएगा, उसके बाद सही कर देंगे और ट्रैक्टर यहाँ पे लगा के इनके ऊपर भी चढ़ा देंगे वायर। अब भूसा मशीन यहाँ से खुदाना है, तो ये नाली है, इसके लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5-6 एकड़ खेत है अपना ही है, तो इसमें बनाना पड़ेगा भूसा। तो अभी क्या है, रास्ता उधर से था लेकिन उन लोगों का भी कटा नहीं है, तो दिक्कत है। फिर मशीन तो निकल गई थी वहाँ पे बोरी और यहाँ पे बोरी रखने से, लेकिन भूसा मशीन में थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए इसको तैयार कर रहे हैं। एक तो धूप ज़्यादा है और पानी भी नहीं है भैया के पास, तो लगे हुए हैं तीनों भाई, कुलदीप भाई और ये मधुर भाई अपने। उसका क्या कटर लग जावा हम। तो जगह तो अपन ने कंप्लीट कर दी है, ये बन गया है उसका निकलने का सिस्टम। अब देखते हैं इतने एरिया में से निकलती है कि नहीं, अब नहीं निकलेगी तो फिर उसका भी देखेंगे। यहाँ से तो निकल जाएगी, बस इसका ही लग रहा है कि यहाँ पे उसकी सामने का कटर नहीं आना चाहिए। बाकी वही प्रॉब्लम समझ में आ रही है, और कुछ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। हालांकि कुबोटा के टायर के हिसाब से बनाया और 1.5 फिट ज़्यादा बना दिया उसको, ताकि मशीन के 1.5 फिट टायर बाहर रहते हैं, तो वो भी निकल जाए वहाँ से। क्यों है मीना जी, क्या लग रहा है आपको, निकलेगी नहीं? निकल जाएगी, है निकल जाएगी यार, मेहनत करी है। क्यों भाई मधुर, निकल जाएगी? तो ये भाई अपना कुबोटा खड़ा है और वो जॉन्डियर चला रहा है मशीन। तो वो काम हो गया कंप्लीट, बाकी वायरिंग रह गई है, तो वायरिंग मैंने फैला दी, उसको टेपिंग करना। तो आधी जगह में टेपिंग भी हो गई है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए मशीन भी बंद कर दी थी और वायरिंग का काम भी बंद कर दिया था। तब मशीन चालू करी है, तो यहाँ से निकालना बाकी रह गया। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं चल जाऊँगा वायरिंग में, और वायरिंग आज पूरी कंप्लीट करके वहाँ पे मूंग बोनी हो चुकी है, तो उसमें अपन पानी चला देंगे ताकि मूंग फिर काम कंप्लीट हो जाए अपना, एक ख़ास तौर पर इस खेत का तो हो जाए। बाकी में तभी कटाई बाकी रह गई, ये आज ही कटा है, इसमें मशीन चलेगी आज। और फिर बाकी सब ठीक ही चल रहा है, बाकी धूप बहुत ज़्यादा है तो ये फेस कवर है। अभी देखो रात का 9 बज गया है, तो मशीन अभी थोड़ी लोड लेके चल रही है, तो इसको ऐसे खाली करना पड़ रहा है बार बार। तो अभी ये वाली ट्राली भरेंगे, उसके बाद अपन कोई भी ट्राली नहीं करेंगे इसके बाद। और ये वाली ट्राली भी इसलिए क्योंकि अब ये चालू कर दी है, तो इसको तो भर ही लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे, क्योंकि अब लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ट्रैक्टर पर। और ये सब देखो आज ही कटा है, तो सब ढीला है, तो इसलिए ये ट्राली फाइनल हो जाएगी। क्योंकि इसमें तो कम ला के, इसके बाजू वाला जो कटा है उसमें बहुत ज़्यादा ला के, तो अभी उसी में नहीं चल रहा है, तो फिर वहाँ क्या चलेगा, इसलिए ये भर के अपन आज ख़त्म करेंगे।
अभी देखो एक घंटे से ऊपर हो गया मैं चलाते, ट्राली अपनी इतनी भराई है और ये अपनी मशीन रही। हालांकि मैं चेक करने के लिए आ रहा हूँ कि यहाँ से फेंकने लगा था वो गुस्सा, मेरे को लगा हो सकता है भरा गई हो, लेकिन अभी नहीं भराई है। लेकिन अनुमान ये लग रहा है कि इस गड्ढे में शायद भरा जाए, बाकी अपन देखते हैं। तो इसके मीटर का लाइट काम नहीं कर रहा है, तो आरपीएम समझ में नहीं आ रहा है कितने आरपीएम पे चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन जल्दी से चालू करते हैं और करते अपना काम ख़त्म। अब यहाँ से मशीन निकालना है, शायद यहाँ से निकालने में दिक्कत कर दे मशीन, तो निकालता तो हूँ पर देखते हैं दिक्कत करती या नहीं करती। अब उम्मीद तो करी थी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है कटर रखा गई इसकी नीचे, तो उसका तो ये कटर रखा गई यहाँ पर नीचे, अब उसके लिए देख रहे हैं। क्योंकि अपन ने जो बनाया था तो जाते टाइम तो वहाँ से खोद दिया था, आते टाइम अनुमान लगाया था कि यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकली है। तो इसी में समय अपना ख़राब हो जाएगा, अभी कितने 11 बजने वाले हैं, तो इसी में समय ख़राब हो जाएगा और मौसम जो है ठंडा होता जा रहा है। तो अब देखते हैं कुलदीप भाई लेके आए हैं फड़ुआ, उसमें अगर कुछ काम बनता है तो फिर उसका, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ रख देते हैं पहले, तो नहीं तो यहाँ से भी काम बन जाएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा एरिया अड़ रहा है, वहाँ से तो निकल गया है। और सबसे मेन चीज़ ये है यहाँ से पीछे भी नहीं जा रही है वो मशीन, पीछे नहीं जा रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गई है अपने लिए। ट्राई कर रहा है उसको, देखते हैं पीछे तो ये देखो नहीं जा रही है, अब आगे ले ले मशीन निकल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ये थी प्रॉब्लम, यहाँ पे अड़ रही थी, लेकिन मदर भाई अपने हार नहीं माने, तो काफ़ी एग्रेसिव ड्राइवर हैं मदर भाई भी, जैसे क्रिकेट में कोहली ऐसे ट्रैक्टर के मामले में मदर भाई। हाँ जी, तो फिर एक बार फिर जाम हो गई मशीन, फिर अभी साफ किए इसको, और अब ये समझ में आ रहा है कि रात का 1 बज गया है, अब चलाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर मशीन जाम हो रही है। तो बस ये ट्राली बस वो टोपी टोपी रह गई है ऊपर की,
तो इसको कंप्लीट हम नहीं कर रहे हैं, सुबह देखेंगे इसको, ये कोई मतलब नहीं है। देखो तो बस इसको खोल देते हैं और चलते हैं बस घर।